हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मथुरा के फेमस पेड़े की रेसिपी। जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी में ये रेसिपी बनाना तो बनता है, तो देर ना करते हुए चलिए बनाते हैं मथुरा के बहुत ही फेमस पेड़ों की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और सबसे पहले हम तगार बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/4 कप चीनी। अब इसके बाद जितनी हमने चीनी ली है उसका आधा हम यहाँ पर ले लेंगे पानी। अब सबसे पहले हमें चीनी को पानी में अच्छे से मिलने देना है, तो थोड़ी देर के लिए इसको हम चलाएंगे और चीनी को अच्छे से घोल लेंगे पानी में। फ्रेंड्स, इसे तगार या बूरा भी कहा जाता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अभी आप देख रहे हैं पानी में बहुत ज़्यादा बुलबुले उठ रहे हैं, लेकिन अब इस स्टेज में क्या हो रहा है कि पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चीनी में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अब हमें इस स्टेज में गैस को बंद कर देना है और इसको हमें लगातार चलाना है। अब इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। घी डालना इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, ताकि जो हमारी तगार है वो हमारे पैन पर चिपके ना। अगर आप घी नहीं डालेंगे तो हमारी तगार जो है बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी और आधा तो वो पैन पे ही चिपक जाती है। तो अब इसके बाद इसको लगातार चलाना है जब तक ये सॉलिड फॉर्म में ना आ जाए। आपको बिल्कुल नहीं रुकना है बीच में। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो मेरी ये चीनी थी ये लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आ चुकी है। और ये लीजिए, हमारा जो तगार है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पैन पर नहीं चिपका है ये। अब ये देखिए, लेकिन अभी भी ना इसमें थोड़े से जो मोटे मोटे इसके दाने रह गए हैं, हाथ से दबाने में टूट जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको एक बार मिक्सी में चला लेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी तगार बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और एक कढ़ाई मैंने यहाँ पर ले ली है और कढ़ाई में हम सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डाला जाता है फ्रेंड्स, ताकि जो हमारा दूध है वो कढ़ाई के तले से चिपके ना, जले ना। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर गाय का दूध। गाय का दूध यहाँ पर कच्चा ही मैंने अभी लिया है। आप चाहें तो जो नॉर्मल आपके घर में जो दूध आता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी। चीनी को हम अच्छे से पहले दूध में मिक्स कर लेंगे। चीनी यहाँ पर इस टाइम पर इसलिए डाली जाती है फ्रेंड, ताकि चीनी जो है वो भी दूध के साथ पक जाए और जो चीनी जब कैरमलाइज हो जाती है तो उसका एक अच्छा सा कलर आता है और उससे हमारे पेड़ों का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस टाइम पर इसलिए चीनी यहाँ पर डाली जाती है। अब यहाँ पर हमें दूध को बहुत अच्छे से पकाना है, काढ़ना है और इसका बिल्कुल मावा तैयार कर लेना है। तो अभी आप देख लीजिए दूध हमारा आधा हो चुका है बिल्कुल। और अभी तक तो इसको चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी फ्रेंड, लेकिन अब जब ये इस कंडीशन में आ चुका है तो अब इसे लगातार हमें चलाते रहना है और साइड से जितनी भी इसमें मलाई लग रही है वो भी आपको यहाँ पर खुरच के दूध में ही मिला देना है। तो जैसे जैसे दूध पकता जाएगा वैसे वैसे इसका जो कलर है वो चेंज होता जाएगा, वो पीला होता जाएगा जैसे आप देख रहे हैं। और ये लीजिए, अब दूध में से जो है पानी की क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ये मावा बनने की कंडीशन में है, तो यहाँ पर आपको गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम में ही अब आपको इसको बिल्कुल पकाते रहना है, जिससे कि इसका बहुत अच्छा एक कलर हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए, इसमें अब बुलबुले बिल्कुल कम हो गए हैं, तो इसका मतलब पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब इसको आपको लगातार चलाना है। यहाँ पर आपकी थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन यकीन मानिएगा स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे ताकि जो हमारा जो मावा है वो तले से चिपके ना और इसका स्वाद भी बढ़ जाए। तो बस इसको फिर से हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो अब इस कंडीशन में हमारा मावा आ चुका है, तो यहाँ पर मैंने क्या करा है 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसको अब अच्छे से हम मिला लेंगे। पहले ये ऑलरेडी मावा ये बन चुका है, तो अच्छे से मिलाने के बाद अब इसको हम ढककर रख देंगे, क्योंकि हमारी जो कढ़ाई है वो भी गर्म है। गैस को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है और ढक्कन लगाकर इसको आधे घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है, हमारा मावा बिल्कुल ठंडा हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है फ्रेंड्स। थोड़ा वैसा कलर नहीं आया है, उतना डार्क कलर नहीं आया है, लेकिन यकीन मानिएगा स्वाद इसका बहुत ही ज़बरदस्त था। तो यहाँ पर मैंने मिला लिया है स्वाद के लिए इसमें 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर और 2 चम्मच जो हमने तगार बनाकर तैयार करी थी वो मैं यहाँ पर मिला रही हूँ। अब इन सबको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो लीजिए, ये बहुत अच्छे से हमारा मावा जो है मिक्स हो चुका है इसमें सब कुछ। और अब इसके हमें छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो पेड़े देखिए, जो पेड़े का जो साइज़ है ना वो अनइवन होता है, इसका कोई एक साइज़ नहीं होता। तो यहाँ पे हाथों से इसे इस तरह से गोल करना है और फिर इसको एक दो बार अलग अलग तरह से पटक देना है। पटकने से क्या है, इसका एक शेप बनेगा, बस वही शेप पेड़ों का होता है। इस तरह से पटक दीजिए और ये देखिए इसका जो है एक शेप बन चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरह के ही पेड़े होते हैं मथुरा के। अब जो हमने तगार बनाई थी उसकी पूरी कोटिंग इसके ऊपर कर देनी है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपको लगे कि इसमें चिपक गया है तो इसको हल्का सा हम झाड़ लेंगे हाथों से, इस तरह से हिलाते हुए हम इसको, इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीनी है वो सब झाड़ लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा एक पेड़ा बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से हम अपने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस जन्माष्टमी आप भी लड्डू गोपाल को पेड़ों का प्रसाद चढ़ाइए और कमेंट करके बताइएगा कि आपके पेड़े कैसे बने। लीजिए फ्रेंड्स, सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। इनको बनाना बहुत ही इजी था और इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।